सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग एंड द सेल्स. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज द मार्केटिंग एंड द सेल्स? इन द प्रीवियस क्लास वी हैव जस्ट डिस्कस द मार्केटिंग, इजंट इट, कि मार्केटिंग एक्चुअली में क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि जो मार्केटिंग और जो सेल्स होता है, सिंपली, एम आई ऑडिबल टू यू? ठीक है, आवाज़ ठीक यस सर, है ना? तो सिंपल सी चीज़ें यहीं पे हैं कि मार्केटिंग और जो सेल्स है, सिंपली यहाँ पे ये क्या है कि दे आर टोटली इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, सेल्स आपकी तभी बढ़ेंगी जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट बहुत अच्छे से कर पाएंगे. क्लियर है? जैसा कि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जब लैपटॉप आता है या कोई भी जब हमारे पास स्मार्टफोन जब कंपनी नया लॉन्च करती है, तो व्हाट इट इज़ कि यहाँ पे कंपनी उसके स्पेसिफिकेशंस बताती है ना. बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंपनी जो प्रोडक्ट होती है वो एक सेलिब्रिटी के साथ लेकर के आती है. जैसा कि आपके महेंद्र सिंह धोनी आजकल उसका कर रहे हैं ना, ओप्पो का ऐड, ठीक है, और थम्सअप के भी एड्स होते हैं, ठीक है, माउंटेन ड्यू के भी एड्स होते हैं. तो जितने भी जो मार्केटिंग होती है, तो हम लोग होता क्या है, एक एक कस्टमर का एक अट्रैक्शन लेकर के आना चाहते हैं. क्लियर है? तो अट्रैक्शन मीन्स टू से व्हाट, कि प्रोडक्ट अच्छा है और अच्छा हो जाएगा कि अगर हम लोग को जाना पहचाना चेहरा उस प्रोडक्ट के साथ लेकर के आ जाएंगे. क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा आता है मार्केटिंग एंड सेल्स. तो इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं ये देखते हैं. कहीं पे भी दिक्कत हो तो प्लीज़ माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है, शर्माना बिल्कुल भी नहीं. क्लियर है? बिकॉज़ यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू सी बैकवर्ड, पीछे क्या होगा अब हम लोग वो नहीं देखेंगे. क्लियर है? तो प्लीज़ जितने भी लोग यहाँ पे क्लास में हैं, तो जो भी दिक्कत हो ऑन द स्पॉट पूछ लेना, बिकॉज हम लोग बार बार नहीं करके आएंगे ना. तो हम लोग फिर आगे भी चीज़ें करेंगे, बिकॉज वी हैव टू जस्ट लुक आफ्टर योर एग्जामिनेशन. और बहुत बच्चे ऐसे उसके वो भी हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी हैं. पूरब, आपका इकोनॉमिक्स है क्या? नो सर, ओके, क्या नाम है इनका, रोनित, आपका इकोनॉमिक्स है बच्चा? यस सर, ओके, चलो अभी देखते हैं. इकोनॉमिक्स का भी हम लोग शेड्यूल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसकी भी देख लेंगे करके. क्लियर है? चलो, तो सबसे पहला ओके आता है सर, हमारे पास स्कोप. स्कोप में क्या आएगा कि दैट इज़ द सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ द गुड्स फॉर मनी बिटवीन द सेलर्स एंड द बायर्स. ठीक है, तो स्कोप में क्या हो जाएगा, कोई भी हम लोग चीज़ बेच रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें क्या होंगी कि हम लोग कोई भी हम लोग गुड्स बेचेंगे तो अगेंस्ट द मनी के बेचेंगे. ठीक है, अगर कोई हमारा मॉनिटरी टर्म होगा उसी के रिगार्ड्स पे बेचेंगे. इट इज़ कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड. मार्केटिंग इज़ अ वाइडर टर्म. इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द सेलिंग बट अदर एक्टिविटीज सच एज द मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट एंड सो ऑन. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि यहाँ पे मार्केटिंग और सेल्स दोनों एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड हैं. क्लियर है? लेकिन मार्केटिंग अगर हम लोग बात करें तो मार्केटिंग हमारा एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन सेल्स हमारा उससे कहीं छोटा है. सेल्स अगर हम लोग कर पाएंगे तो किसी एक रीजन पे ही कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग हम लोग हर एक कोने में कर सकते हैं आराम से. सर एक डाउट है पूछो बच्चा. सर, मार्केटिंग और सेल्स और मार्केटिंग और सेलिंग अलग अलग है क्या? क्या मार्केटिंग और मार्केटिंग और सेल्स और मार्केटिंग और सेलिंग बात तो वही हो गई ना. सेम है दोनों. सेल्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को बेचना, ठीक है, सेलिंग क्या हो गई, वो भी किसी चीज़ को बेचना हो गई. अब वो हम लोग चीज़ें बेच तो रहे हैं. आप लोगों ने कभी, अच्छा, वो देखा है कि बहुत बार कंपनीज जब स्मार्टफोन्स जब लॉन्च करती हैं, ये आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी देखा है कि जब भी कंपनी जब कोई फ़ोन लॉन्च करती है या कोई भी ईयरपॉड्स लॉन्च करती है, तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि अमेज़ॉन पे ही आपके पास एक्सक्लूसिव होता है, कि अमेज़ॉन के अलावा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना फ्लिपकार्ट पे मिलता है ना ही वो चीज़ ऑफलाइन पे मिलती है. क्लियर है? बहुत बार ऐसा भी होता है कि फ़्लिपकार्ट के पास एक्सक्लूसिव सेल्स चली जाती हैं कि सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही मिल सकता है, उसके बाद अमेज़ॉन पे भी नहीं मिलेगा और ना ही ऑफलाइन मिलता है, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए, 2-3 महीना या 6 महीने के लिए. ऐसा होता है कि नहीं होता, देखा है, सुना है कभी, है ना? सो दैट इज़ द एक्सक्लूसिव सेल्स, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स. क्लियर है? तो मतलब क्या है कि वहाँ पे जो कंपनी है, जैसे कोई अमेज़ॉन हो गया, तो अमेज़ॉन क्या करती है, वो सिर्फ 5 मिनट में, बिलीव मी, 5 मिनट में 8 से 10 लाख फ़ोन बेच देते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होता है.
क्लियर है, और उसका प्रमोशन वो 10-15 दिन पहले से करना चालू करते हैं कि हमारी जो इसकी जो सेल्स है वो इतने टाइम या 12 PM पे आने वाली है, 2 PM पे आने वाली है, तो उस चीज़ को वो पहले मार्केट करते हैं ना भाई। पहले उन्होंने मार्केट किया और मार्केट करने के बाद उन्होंने 10 लाख फ़ोन 5 मिनट में ही बेच दिए। कैन यू एज्यूम डैट कि अगर आप किसी शॉप पे जाएंगे मोबाइल लेने के लिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 10 से 15 मिनट तो आपको उसके स्पेसिफिकेशन समझाने में ही लगा दे कि हाँ भाई साहब इसमें ऐसी चीज़ें हैं, इसमें ये कैमरा है, इसमें ये रैम है, इसमें वो रैम है, इसमें ये वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। तो मतलब 10-15 मिनट वो आपके ऐसे खा जाएगा, लेकिन अमेजोन ने 5 मिनट में 10 लाख फ़ोन बेच देता है। तो दैट इज़ वॉट, दैट इज़ अ एक्सक्लूसिव राइट्स, क्लियर है। तो उस चीज़ को करने के लिए उसको प्रमोशन करना पड़ता है, उसको मार्केटिंग करना पड़ता है। बिना मार्केटिंग के हम लोगों को कैसे मालूम चल जाएगा? जैसे अभी आपकी रिपब्लिक डे की सेल खत्म हुई है शायद अमेजोन में, कभी देखा होगा अभी, है ना। तो दैट इज़ वॉट कि तो वहाँ पे क्या होता है कि हफ्ते 10 दिन पहले से उसको अब बताया जाता है कि हम लोगों की जो रिपब्लिक डे सेल है वो आने वाली है, जो कौन सी आती है वो बिग बिलियन डेज आती है ना फ्लिपकार्ट में, तो वो आने वाली। तो उस चीज़ को पहले मार्केट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे आने वाला है तो सामान यहाँ पे बहुत सस्ता मिलेगा। क्लियर है करके पूरा? अभी कोई दिक्कत बच्चा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोकस पे। सेलिंग फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर्स एंड द मार्केटिंग ऑन द नीड्स ऑफ द बायर्स। सेलिंग इज मेनली कंसर्न विद द इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम एंड नो अटेम्प्ट इज मेड टू फाइंड आउट द नीड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे हमारा सेलिंग का मतलब सिर्फ चीज़ें ये होती है कि उस चीज़ को बेचना है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी आकर कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया तो उसको सिर्फ बेचना है। इट हार्डली मैटर्स कि पूरब को 6 GB का फ़ोन चाहिए कि रोनित को 4 GB का फ़ोन चाहिए। ठीक है, अब कंपनी ने अगर 4 GB का ही फ़ोन उतारा है तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि पूरब भी 4 GB का ही फ़ोन लेंगे और रोनित भी 4 GB का ही फ़ोन लेंगे। क्लियर है, तो उसको कस्टमर की नीड से कोई वो मतलब नहीं होता है, बस उसने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है। क्या आप अपनी नीड के हिसाब से क्या वो हमारा प्रोडक्ट आपके लिए कंपैटिबल है कि नहीं है? क्लियर है, तो कंपनी ये समझती है, तो कंपनी को अपना सामान बेचना है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो उसका यही फोकस रहता है, कस्टमर से उसको मतलब नहीं है, बस उसको अपना सामान बेचना है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिगिनिंग एंड एंड। सेलिंग बिगिंस आफ्टर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड कम्स टू एन एंड विद द ट्रांसफर ऑफ द बायर्स। मार्केटिंग बिगिंस बिफोर द प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज आफ्टर द सेल। मार्केट रिसर्च एंड आफ्टर सेल सर्विस आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग। ठीक है, आज मैं अवन देख रहा था, जो एक माइक्रोवेव होता है ना, माइक्रोवेव मैं अमेजोन पे देख रहा था, तो आई जस्ट सॉ कि माइक्रोवेव कंपनी से अगर आप लेंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत बार कस्टमर रिव्यूज़ डालते हैं कि इसकी आफ्टर सेल जो सर्विस है वो बहुत बेकार होती है। क्लियर है, तो मतलब क्या होता है कि कंपनी सिर्फ फोकस करती है कि उसकी जो पहले जो प्रमोशन हो रहा होता है उस चीज़ पर उसको फोकस करते हैं, लेकिन आफ्टर द सेल्स आपने सेल कर दी उसके बाद भी तो आप सर्विस दीजिए ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होती है, सेलिंग बिगेंस आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स आर मेड। ठीक है, हम लोग प्रोडक्ट का बेस है जब वो मैन्युफैक्चर हो जाता है। ठीक, क्लियर है, लेकिन जब मार्केटिंग होती है वो आफ्टर सेल भी चलती ही रहती है। क्लियर है, कोई दिक्कत? आते हैं ओरिएंटेशन पे। ये क्या है कि सेलिंग इज इंटरनली ओरिएंटेड बिकॉज इट सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट थ्रू द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग इज एक्सटर्नली ओरिएंटेड एज इट सीक्स टू अचीव प्रॉफिट थ्रू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंपनी अपना जो इंटरनल मैटर्स होते हैं वो इस हिसाब से काम करते हैं कि दैट कंपनी इज ऑलवेज सीकिंग टू सीक द प्रॉफिट्स। क्लियर है, उसको मुनाफा चाहिए, कभी भी कोई कंपनी नुकसान में काम नहीं करती। ये हम पहली क्लास में भी हमने बोला था, कोई भी कंपनी काम कर रही है, आपके पिताजी काम कर रहे हैं, आपकी मदर काम कर रही, तो दे आर ऑलवेज वर्किंग टू गेट द प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर है, कभी कोई नुकसान के लिए काम नहीं करता है। क्लियर है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग आपका एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, उसको ये रहता है कि हमारे जो कस्टमर है वो हमारे पास आए, फिर वो चाहे किसी भी मीन से आए। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे है डिमांड क्रिएशंस। सेलिंग प्री सपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट एंड ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग इन्वॉल्व क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंज्यूमर डिमांड्स। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, डिमांड क्रिएशन की, हमें डिमांड कैसे क्रिएट करना है। तो सेलिंग प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट।
क्लियर है। तो वहाँ पे जो भी फर्म का जो प्रोडक्ट होगा उसके लिए हम लोग डिमांड क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे इनिशियली क्या होता है कि कभी भी अब मार्केटिंग पे आते हैं, तो मार्केटिंग क्या होता है, जैसे आपके सड़कों पे या जो बैनर्स टीवी हो गए तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट लगा होता है। तो एडवर्टीजमेंट मतलब क्या होता है, तो आपको लगता है कि ना कि ये चीज़, अरे अच्छा ये मार्केट में ये चीज़ नहीं आए तो ये मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है, तो वी आर गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट। क्लियर है। सो दैट इज़ द डिमांड की, हम लोग डिमांड को क्रिएट करना पड़ता है। सामने वाला कोई चीज़ खरीदता नहीं है, उसको चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत इन डिफरेंसेस में? नो सर, बहुत नो सर, बढ़िया। एक चीज़ और देख लो जरा, लास्ट में दिया हुआ है ना, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर्स एंड द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ऑन द अदर हैंड सेलिंग इन्वॉल्व्स द प्रोक्योरिंग ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू देम। क्लियर है, इजी है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको सर ना समझ में आए। और जो डिफरेंस दिया हो, जो डिस्टिंक्शन है मार्केटिंग एंड सेलिंग का, दैट इज़ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 आराम से डिफरेंसेस याद करके जाइएगा। क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये आ रहा है कोर्स में, है मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, बताते रहना ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं है तो मेरे को बताते रहना सर ये चीज़ नहीं है या ये चीज़ है करके। क्लियर है, तो इट इज़ योर ड्यूटी। अब बाद में मेरे को मत बोला सर आपने आउट ऑफ कोर्स पढ़ा दिया। क्लियर है। चलो प्रोडक्ट भैया भाई साहब क्या होता है, चलिए रौनित जी बताएंगे। रौनित प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा? द प्रोडक्ट इज अ नैरो सेंस, इन नैरो सेंस प्रोडक्ट इज अ मीन ऑफ टेंजिबल गुड्स। ओके, व्हाट इज अ टेंजिबल, टेंजिबल क्या चीजें होती हैं? जो हम लोग टच कर सकते, फील फील नहीं कर सकते, सो टच कर सकते, सो विजुअलाइज कर सकते। ओके ओके ओके, पूरा सही बोल रहे हैं क्या रोनित जी? हाँ सर, लेकिन फील भी तो कर सकते हैं ना हम लोग प्रोडक्ट को, छू के फील ही होता है एक तो। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो हम यही चीज़ तो पूछ रहे हैं ना आपसे, क्या रोनी जी सही बोल रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं रोनी जी। हम लोग फील भी तो कर सकते हैं, कभी भी आप मार्केट में यस जाते हैं सर, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, तो कपड़े की जो क्वालिटी होती है वो आपको टच करके समझ में आता है ना कि नहीं आता है? यस सर, ठीक है। हाँ बस ये है कि इमोशंस को आप टच नहीं कर सकते, फीलिंग्स को आप टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं, इजंट इट? ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, के मीन्स आर सेट ऑफ द टेंजिबल एंड द फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड कलर, डिज़ाइन, साइज, वेट एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि क्या है, आपका बॉल पेन हो जाएगा, आपका मोबाइल हो जाएगा, आप लैपटॉप है, आप जिस भी मीडियम से आप वीडियो कॉल कर रहे हो, वो चीज़ आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो प्रोडक्ट आपका बहुत सारे वेरिएंट्स में भी होता है, कि उसका डिज़ाइन भी होता है, उसका कंपनी क्या होता है, उसका साइज़ कैसा है, उसका वेट कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, तो प्रोडक्ट में हर एक चीज़ें आती हैं करके। क्लियर है, यहाँ पे दिया हुआ है फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बिलो, टैंजिबिलिटी हो गया, एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, ये क्या है कि एडिशन टू द फिजिकल फीचर्स अ प्रोडक्ट हैज़ सर्टेन एट्रीब्यूट्स विद हेल्प विच हेल्प कस्टमर्स टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि पैकेजिंग, ब्रांड, वारंटी एंड सो ऑन। जैसे आपके पास मोबाइल वगैरह होगा तो मोबाइल के पीछे लोगो लगा होगा ना कंपनी का, ओप्पो का है, वीवो का है, या नोकिया का है, सैमसंग का है, तो वो करके। ठीक है, तो कभी कोई पूछता है ना कि भाई साहब कौन सा फ़ोन है, तो बस पीछे मुड़ा के दिखा देते हो। लाइफ साइकिल क्या है, एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स लाइफ साइकिल, एक्सचेंज वैल्यू एंड नीड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लाइफ साइकिल दैट मीन्स टू से कि आपके फ़ोन की एक लाइफ साइकिल, मतलब कितना तक चल जाएगा, मेरी फ्रिज कितने साल तक चल जाएगी। एक्सचेंज वैल्यू, अगर हम लोग उस चीज़ को या उस प्रोडक्ट को अगर हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसके एक्सचेंज में हमें उसकी एट प्रेजेंट में कितनी वैल्यू मिलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट है नीड सेटिस्फैक्शन, तो एवरी प्रोडक्ट इज मेंट टू सेटिस्फाई द सम ह्यूमन नीड्स। क्लियर है, तो नीड मतलब क्या हो गया, आपके घर में नई नई फ्रिज आई है, तो फ्रिज की मतलब रिक्वायरमेंट क्या थी कि पानी ठंडा मिले आपको, खाना फ्रेश रहे आपका, ठीक है, या जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके फ्रेश रहे, तो यही तो आपकी नीड्स थी ना। क्लियर है, सो दैट इज़ द प्रोडक्ट। क्लियर है, तो ये जितने भी थे आपके फीचर्स थे एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर, नेक्स्ट आ रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये आ रहा है। चलो ओके आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या होता है। सिंपल अगर हम लोग बात करें, अभी अभी हम लोग प्रोडक्ट देख कर के आ रहे हैं कि लिटरली प्रोडक्ट क्या होता है।
क्लियर है, सिंपल। अब सर्विसेज क्या क्या होती हैं, तो सर्विस मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, जैसे आपके पास गाड़ी वगैरह होगी, टू व्हीलर होगी या फोर व्हीलर होगी, तो कभी भी आप उसकी सर्विस कराने जाते हो नहीं कराने जाते हो, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि जो सेलर होता है तो सेलर गाड़ी बेचने के बाद आपको भूल जाता है, ऐसा नहीं होता है। कंपनी क्या होती है, कंपनी हमेशा ये चाहती है कि जो कस्टमर है वो हमसे हमेशा जुड़ा रहे, उसने पहली बाइक हमसे ली है तो दूसरी भी हमसे ले, तीसरी भी हमसे ले, और लेते वक्त ये भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो दूसरों को शेयर भी करे कि मतलब फला सेलर से हमने बाइक ली थी या इस कंपनी की बाइक है, तो उनकी बाइक तो अच्छी है ही है और साथ ही साथ उसकी जो सर्विसेज है वो भी बहुत अच्छी है। अभी मैंने बताया ना कि मैं आज वो देख रहा था, अवन देख रहा था ऑनलाइन, तो उसके जो फीडबैक था वो बहुत ख़राब दिया हुआ था कि आफ्टर सेल जो सर्विसेज हैं वो उसकी ख़राब थी। क्लियर है, तो वही चीज़ है कि हमें ये नहीं करना है, कंपनी का हमारी एक ब्रांड इमेज होनी चाहिए जो कि आप सर्विसेज से ही बदल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट। देखिए क्या कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं सर। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ना, सर्विसेज मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज कॉमर्शियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, और पहला कॉमर्शियल सर्विस जो है वो पूरब जी बताएंगे। पूरब, कॉमर्शियल सर्विस क्या होता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। सर कमर्शियल सर्विस मतलब जैसे मेरे पापा खुद का बिजनेस चलाते हैं, वो उनका कमर्शियल बिजनेस है। वेरी गुड, आराम से देखो पढ़ के भी बता सकते हो, पढ़ लो समझ लो फिर उसके बाद बताओ। रौनित आप सेकंड प्रिपेयर करिए तब तक। ओके सर। सर जैसे मतलब मैं जैसे पूरा कमर्शियल बिजनेस एक तो हो गया, और फिर कमर्शियल जैसे इसमें दिया है ट्रांसपोर्ट कैसे सर्विसेज में आएगा? अगर आप दुकान से या किसी भी आउटलेट से अगर आप फ्रिज खरीदेंगे तो फ्रिज कहाँ पे, अपने सर पे तो रख के लाएंगे नहीं हम लोग, वो कहाँ से आएगी, वो तो आपके ट्रांसपोर्टेशन से ही आएगी ना, लोडर से ही आएगी। तो दैट इज़ वॉट कि भाई जहाँ पे भी आपने खरीदा तो वो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी तो दे रहा है ना, क्लियर है, तो इस वजह से वो ट्रांसपोर्ट आएगा। क्लियर है, या आप इसको रेलवेज में भी ले सकते हैं करके, आप एयरवेज में भी ले सकते हैं। क्लियर है ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए प्रोफेशनल सर्विसेज, रौनित जी। यस सर। प्रोफेशनल हाँ सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। हाँ दिस थिंग क्लियर है, जैसे कि अभी हम लोग बोले जो प्रोफेशनल मतलब होते क्या है कि डॉक्टर्स, लॉयर्स हो गए, जो टीचर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है कि ये प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। क्लियर है, अब इसका मतलब ये थोड़े कि मान लो कि डॉक्टर है, अब डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, अब सर्जरी के बाद उसको मतलब ऑपरेशन पूरा नहीं आता है, अब वो ये तो नहीं कहेगा ना डॉक्टर कि भैया ये मेरे टाइम पे वो कोरोना वायरस आ गया था तो मेरे में ये सिलेबस कट गया था, ठीक है, अभी तो मतलब आधा ऑपरेशन थोड़ी करेगा डॉक्टर, तो दैट इज़ वॉट कि वो प्रोफेशनल में आता है, तो उसको तो सारी चीज़ें मालूम ही होनी चाहिए, चाहे वो कोर्स में हो और चाहे वो ना हो करके। क्लियर है, नेक्स्ट है आपका पर्सनल सर्विसेज, दीज सर्विसेज इंक्लूड द टेलिंग शॉप, ब्यूटी पार्लर, लॉन्ड्री एंड सो ऑन। ठीक है, जितनी भी जो सर्विसेज आपके होते हैं ना, जैसे आप लोग सैलून जाते होगे, हेयर कटिंग कराने जाते हो, फेशियल कराने जाते होगे, मेरे दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं इस टाइम, है ना, तो जितने भी काम कराने जाते होगे तो वो क्या है आपकी पर्सनल सर्विसेज हो गई। क्लियर है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि आपकी टेलीग्राफ डिपार्टमेंटल, पुलिस, फायर, ठीक है, मिलिट्री, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये पब्लिक में आ जाएगी। पब्लिक मतलब क्या है, सरकारी चीज़ें, तो वो आपको सर्विस दे रहे ना, पुलिस वाले आएंगे तो आपको सर्विस देंगे ना, क्लियर है, फायर ब्रिगेड वाले आएंगे तो आपको सर्विस देंगे ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पब्लिक सर्विसेज होती हैं। क्लियर है, एनी डाउट इन दिस? नो सर। वी आर हैविंग अ वेरी गुड डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज, ठीक है, तो टैंजिबिलिटी में आप देख लीजिए कि कैन बी फेल्ट एंड द टच। रौनित जी, कैन बी फेल्ट, उसको फील भी किया जा सकता है और उसको टच भी किया जा सकता है, ठीक है, वेरी गुड ट्राई। एंड कैन नॉट बी टच, सर्विसेज क्या होती है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज। इनसेपरेबिलिटी में क्या आ जाएगा कि फुल्ली सेपरेबल रिमोट ट्रांजेक्शन्स आर पॉसिबल, एंड सर्विसेज में है नॉट सेपरेबल रिमोट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। रिमोट ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होते हैं भाई साहब?
रिमोट ट्रांजेक्शन मालूम है क्या क्या होते हैं? व्हाट इज रिमोट ट्रांजेक्शन? रिमोट ट्रांजेक्शन मीन्स टू से, अच्छा बोलते भी नहीं हो हाँ सर आता है कि नहीं सर हमें नहीं आता है। रिमोट ट्रांजेक्शन मतलब ये होता है कि अगर आप अमेजोन से ऑर्डर मारते हो तो प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा ना, क्लियर है? लेकिन लेकिन अगर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो क्या हम पूरब से कि पूरब मेरी जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई तो तुम्हें ठीक करनी आती है, तो क्या पूरब वहाँ से बैठ के मेरी गाड़ी ठीक कर देंगे क्या? सिंपली नहीं। तो अगर गाड़ी ठीक करनी आती तो वो चीज़ें क्या हो जाए, वो सर्विस हो जाएगी। तो आप दूर बैठ करके सर्विस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन दूर बैठ करके आप प्रोडक्ट मंगा जरूर सकते हो, क्लियर है? ये चीज़ें क्वालिटी क्या हो जाए, कैन बी मेजर एंड कंट्रोल एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड मेजर, ठीक है। क्वालिटी हम लोग प्रोडक्ट में मेजर कर सकते हैं लेकिन सर्विस में कभी भी हम लोग क्वालिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे। इन्वेंट्री कैन बी स्टोर्ड एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें कोई दिक्कत? बहुत इजी है, क्लास 5 की इंग्लिश दी हुई है, ठीक है। नो सर। हाँ चलो आते हैं नेक्स्ट पर टॉपिक पे, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइजिंग, इजंट इट? आ रहा है कोर्स में है हाँ सर। मीनिंग मीनिंग ऑफ प्राइजिंग है एंड शायद ऑब्जेक्टिव है लास्ट, है ना? हाँ सर। यस। ओके 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 चलो आते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, अब हम लोग आते हैं प्राइसिंग में। एक्चुअली में प्राइसिंग क्या होता है कभी कोई बता सकता है? कभी आप लोगों ने कभी कुछ चीज़ों को कंपेयर किया है? जैसे कि आपकी पेंसिल हो गई, पेंसिल आपकी फैबर कासल की आती है, कैमलिन की आती है, नटराज की आती है, अप्सरा की पेंसिल्स आती हैं, तो इतनी जो कंपनियाँ जो पेंसिल बना रही हैं उनको मतलब क्या शौक चढ़ा हुआ है भाई। कोई एक ही आए ना, कोई एक मार्केट में आए, एक ही कोई आके पेंसिल बना दे, अगर के कोई एक ही कंपनी आए पेन बना दे, कोई एक ही कंपनी आए वो आपकी बाइक बना दे, कोई एक ही कंपनी आए वो आपकी कार बना दे, इतनी सारी कंपनियां होती हैं, तो मतलब उनका उनका फ़ायदा क्या होता है? आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जो फोर व्हीलर्स जो कार्स होती है, तो कार सिंपली हर कोई भी कंपनी कार ले लो, पहिए तो चार ही होंगे उसमें, स्टेयरिंग राइट हैंड साइड में ही होगा, आगे की तरफ दो सीटर होगा, पीछे की तरफ थ्री सीटर होगा, देन वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम? सबसे मेजर जो इशू होता है, हाँ सर, बिकॉज इफ वी देयर विल बी नो कंपनीज सेपरेट कंपनी देन द मोनोपोली सिस्टम विल बी वेरी गुड रोनित। मोनोपोली हो जाएगी, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, और सबसे पहली बात तो है अगर कोई एक ही कंपनी रहेगी तो अपने मन के मुताबिक वो उसका प्राइस रखेगी। पता चला पूरब गए एक पेंसिल लेने के लिए, कह रहे भैया एक पेंसिल दो, उन्होंने पूछा कितने की, भैया 100 रुपये की पेंसिल, मतलब 3 रुपए की पेंसिल उसको 100 रुपए की मिल रही है, क्लियर है? तो आप समझ रहे हो, एग्जैक्टली ठीक है, यहाँ पे यही चीजें होती है। तो जितनी भी कंपनीज है वो कभी भी जो अपना प्राइस होती है वो कैसा रखती है, एक कॉम्पिटिटिव, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में रखती हैं। अगर किसी ने अपनी पेंसिल का दाम मान लो कि 5 रुपए रखा है, तो कोई अगला जो आएगा वो अपनी पेंसिल का प्राइस 4 रुपए कर देगा, ठीक है, या 4.5 कर देगा आपके। उसमें बहुत होता है, आप स्कूटी देखिए, बाइक देखिए, ठीक है, अगर आपके जो एक्टिवा आ रही है वो 60,000 की आ रही है तो जुपिटर वो आएगी वो 58,000 की आ जाएगी, ठीक है, या आइए कोई उसका नया मॉडल आए तो 61,000, कोई 62,000, मतलब जो प्राइस होता है वो उसके आसपास ही रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं कि मतलब एक्टिवा आ रही है 60 की तो जुपिटर आ रही मतलब कि 80,000 की, तो नॉर्मल सी बात है सभी लोग एक्टिवा लेंगे, क्लियर है? तो दैट इज द प्राइस, ये आपका प्राइस का मैकेनिज्म होता है, क्लियर है? तो देख सकते हैं क्या है कि प्राइस डिनोट्स द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, इट इज अमाउंट ऑफ द मनी ऑफ अ सेलर इज आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज ही ऑफर्स फॉर सेल और द अमाउंट विच बायर्स आर टू पे फॉर इट, क्लियर है? आई होप कि प्राइस क्लियर होगा आराम से, ठीक है, और पूरे पूरे इसमें प्राइस में यही है, ठीक है, मैंने छोटी से भाषा में समझा दी एग्जाम्पल देकर के, और उसमें जब पूरा पढ़ोगे तब भी वही रहेगा, क्लियर है? ओके नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पे, क्लियर है? सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? इतने ऑब्जेक्टिव्स कितने दिए हुए? 5 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हम लोग के पास। चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है सिंपली, तो पहला टॉपिक हमारे पास टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कि रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना आने वाला है। जैसे कि अगर हम लोग इसमें बात कर लें, जैसा होता है ना कि एन एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट सेल्स इज एन इम्पॉर्टेंट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, द आइडिया इज टू सिक्योर अ सफिशिएंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर कवरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कोई बता पाएगा?
हेलो, अच्छा, कैन यू रिपीट? पहल प्राइसिंग वाला एब्जेक्टिव नहीं है, समझ क्या में नहीं है। बहुत ट्राई किया कौन प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव, बहुत ट्राई किया था, नहीं हो रहा था। ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा था इसका पूरा? चलो आ रहा है, मतलब मेरे से हो नहीं रहा वाला अच्छा, तुमसे नहीं हो? कॉन्टेक्ट। हाँ, तो मैं किस लिए बैठा है यहाँ पे? बताने के लिए तो बैठा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव्स में एक पहला जो पॉइंट है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, तो इसमें एक राइट हैंड साइड में एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन, पूरा समझ जाओगे इससे। सपोज अ कंपनी हैज टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द 50 लाख एंड सीक्स टू अर्न 30% रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, इज एक्सपेक्ट टू सेल द 20,000 यूनिट्स एंड द टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज़ द ₹50। द प्राइस पर यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड एज द अंडर दिस। क्लियर है? तो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब सिंपली ये होता है कि कभी भी हम लोग कुछ भी करते हैं, जैसे आपके पास कोई पेन है, मेरे पास उधर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, जैसे हम यही ले लेते हैं, ये देखो ये मेरे पास एक बुक है, अरे इधर देख ले मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है। क्लियर है? तो ये हमारी इकोनॉमिक्स की है क्लास 11th, इसकी भी क्लास लेनी पड़ती है ना, इकोनॉमिक्स की है क्लास 11th। तो आप देख सकते हो जैसे ये जो फिगर बना हुआ है, इसको हम लोगों ने, इसका ये जो पूरा सिस्टम है, इसको हमें डिज़ाइन करना पड़ा होगा, ठीक है, कलर कुछ होगा, और जब हम लोग ये बुक खोलेंगे तो इसमें कुछ प्रिंटिंग होगी, ठीक है, इस प्रिंटिंग के साथ इसके जो पेपर्स हैं वो होगा। तो इतनी सारी इस बुक में इतनी सारी जो कॉस्टिंग अवेलेबल है, तो और ये बुक हमें पड़ती कितने की है? 595 की। देखो 595 ये लिखा हुआ है करके, क्लियर है? तो 595 की हमारे पास बुक है, ओके। इस पे MRP पड़ जाती है, दैट मीन्स टू से कि अब इतने पे बेचेंगे तब जाके कंपनी को कुछ प्रॉफिट होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी को खुद पे ये जो इसकी जो कॉस्टिंग है, जो सिर्फ CP होगी, इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी, अराउंड अराउंड हम मान ले रहे हैं कि भाई साहब ₹300 की कंपनी को बुक पड़ती है उसको पूरी, मतलब बुक बनाने के लिए। क्लियर है? तो अब जब उसको पूरी बुक बनाने के लिए ₹300 की पड़ेगी, तो क्या कंपनी उसको 250 में बेच पाएगी? नॉर्मल सी यस बातें, नॉर्मल सी बातें नहीं बेच पाएगी। क्लियर है? अगर कंपनी कोचिज बना रही है तो वो, उसको ये मालूम है कि भाई उसकी कॉस्टिंग ही 300 आई है, तो उसको 300 से ऊपर की ही बेचनी है, भले ही वो ₹310 में बेचे, लेकिन उसको 300 के ऊपर ही बेचे, क्योंकि उसकी खुद की लागत जब ₹300 की आई है, तो वो कैसे वो उससे कम में बेच सकती है? क्लियर है? सो दैट इज़ द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो उसको जो भी वो प्राइस बना के वो रखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जितनी भी उसकी जो कॉस्टिंग है, जो भी जितना मैन पावर लगा हुआ है, जितना रिसोर्स लगा हुआ है, सब कुछ उसका निकल आए, एटलीस्ट एटलीस्ट उसका वो निकल आए। क्लियर है? यस सर। बहुत बार ऐसा भी होता है, कभी कभी आप मॉल वगैरह में जाते हो, तो मॉल वगैरह में क्या होता है, आपकी सेल लग जाती है ना, 50% सेल, 70% सेल, 80% सेल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट सेल? तो सेल का मतलब ये होता है कि भाई साहब अगर कंपनी मुनाफा नहीं कमा पा रही है, तो कम से कम यार वो प्रोडक्ट को सेल में डालो और एटलीस्ट उसकी कॉस्ट प्राइस तो निकालो। हमें अब उस प्रोडक्ट से मुनाफा नहीं कमाना है, हमें अब उससे क्या निकालना है, हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो निकालना है कि भाई वो बिक जाए करके। क्लियर है जी? पूरब जी ध्यान समझिएगा, समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सेकंड पॉइंट है, दैट इज अ सर प्राइस। टारगेट एग्जांपल फॉर क्या? शेयर इन द टारगेट ऑफ इंटरेस्ट सर, इन टारगेट ऑफ रिटर्न दैट इज एन एग्जांपल गिवन, कैन यू एक्सप्लेन दैट एग्जांपल? जो बुक में दिया हुआ है, यस। ओके ओके ओके, ले ले लो, इसको भी ले लो। यहाँ पे सिंपल क्या दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ, जस्ट पूरा जस्ट लुक एट द एग्जांपल, टोटल कॉस्ट ऑफ अ 20,000 यूनिट्स, ठीक है, तो ₹50 के हिसाब से जो 20,000 यूनिट्स है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? अराउंड 10 लाख रुपीज़। क्लियर है? मान लो कि हम कोई पेन बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, ₹50 का एक पेन है, और वो हमने 20,000 पेन बनाए हैं, ठीक है, तो उसकी ₹50 का पेन बनाने के लिए मेरी जो कॉस्टिंग आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 10 लाख रुपए। क्लियर है? अब यहाँ पे दिया हुआ है 30% बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन द ₹50 लाख इज इक्वल्स टू इतना, तो 15 लाख हो गया टारगेट सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। तो अब उनका बना क्या कि हमने जब इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड ऑन 10 लाख कर दिया और इधर ही हमने 15 लाख कर दिया, तो बना कितना हमारे पास, और कितना, 25 लाख रुपए, ठीक है, इतना उनको मतलब टैक्स यस टैक्स के बाद देना पड़े करके। पूरा समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया कि अब इसने ये बोला है कि प्राइस पर यूनिट, ठीक है। अब जब हमारा पूरा बनना, हम जब सरकार का हमारा प्रोडक्ट बनने का और सरकार को टैक्स देने के बाद हमारा उसका कितना देना पड़ेगा, 25 लाख रुपए देना पड़ेगा, क्लियर है। अब जो ये देखिए यहाँ पे लिखा ना, प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 125 रुपीज़, दैट मीन्स टू से कि कंपनी को बनाने की जो लागत आई है वो 50 रुपये आई है, लेकिन अब उस कंपनी बेचेगी कितने में, एटलीस्ट 125 रुपीज़ में बेचेगी। जब 125 रुपये में बेचेगी तब जाके कंपनी को मुनाफा होगा, अंटिल तन वरना उसको कंपनी को नुकसान हो जाएगा। रोनित समझ में आया? कैसे? अभी हमने बुक का एग्जांपल दिया ना, 595 की बुक थी, कंपनी को 300 की पड़ी होगी उसकी कॉस्टिंग प्राइस बनाने में, उस बुक को तैयार करने में उसको 300 रुपये के लगे होंगे, ठीक है। तो तब जाके जब कंपनी उसको 595 को अगर बेचेगी तब जाके कंपनी को मुनाफा होगा, क्लियर है। और ये हम पहले ही बोल चुके हैं, कोई भी अगर यहाँ पे मार्केट में बैठा है तो हमेशा मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैठा है, सोशल सर्विस करने के लिए नहीं बैठा है, क्लियर है। यस यस गुड। सर, पूरब जी कहीं पे भी दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछिएगा, यस सर, ठीक है। हाँ, प्राइस स्टेबिलिटी पे आते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की थी, अच्छा बुक को छोड़ो, अभी हम लोगों ने बात की थी ना एक्टिवा जुपिटर की, एज आई टोल्ड यू कि भाई 60,000 रुपीज़, यस सर, नेक्स्ट मॉडल इज़ कमिंग फॉर द 58,000, कोई दूसरा आ रहा है 62,000 का, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, जो स्टेबिलिटी जो प्राइस की होती है वो आपकी बनी रहती है। तो दैट मीन्स टू से कि प्राइस के आस ही पास रहेंगे, जैसे आपके पेन हो जाएंगे, आपकी पेंसिल्स हो जाती हैं, कोई पेन 10 रुपये का आ रहा है, कोई 9 रुपये का आ रहा है, कोई 12 रुपये का आ रहा है, तो उसके आस पास ही रहेगा। लेकिन अब तुम 10 रुपये का पेन, अब तुम चाहोगे हम 100 रुपये का बेचें, तो ये नहीं हो पाएगा, तो वो तो आप बिल्कुल ही पूरा मार्केट से आउट हो जाओगे, क्लियर है। ये चीज़ें मार्केट शेयर, मार्केट शेयर क्या होता है, मार्केट शेयर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कभी भी जो प्रोडक्ट होता है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग जब रिलीज़ करते हैं तो देखते हैं कि मार्केट शेयर कितना है। जैसा कि हम तीनों ने ही ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, क्लियर है। अब हम ये देखते हैं, इसको ये कैलकुलेट करते हैं कि ये ईयरफोन जो है ये कितने लोग इसको यूज़ करते हैं, तभी ना तो कंपनी जो ईयरफोन्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने तो वायर लगाया हुआ है, देखो पूरब ने तो बिल्कुल वैसा वाला लगाया हुआ है, एयरपॉड्स हैं, है ना पूरब? रूम कुछ लगाया है नहीं अभी, अच्छा नहीं उसका लगाया, चार्ज खत्म। अच्छा चार्ज खत्म हो गया था, ओके ओके कोई बात नहीं, चलो अभी तो इसने फिलहाल एयरपॉड्स लगाए हुए थे। तो दैट मीन्स कि से कि भाई साहब कितनी जो जेंट्री है वो कौन से जो ईयरफोन है वो यूज़ करती है, ठीक है। आपको कौन से पसंद है, मतलब मार्केट में शेयर किसके ज़्यादा है, मार्केट में इसकी वैल्यू ज़्यादा है वायर वाले की कि मार्केट में ब्लूटूथ वाले की ज़्यादा है, क्लियर है। तो कंपनी उसका प्रोडक्शन तेज करती है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करती है, क्लियर है। सो दैट इज़ द मार्केट शेयर, क्लियर। जैसे बच्चों किसान जैम पसंद होता है, टोमेटो केचप पसंद होता है, तो दैट इज़ व्हाट कि उसका मार्केट शेयर कितना है। भाई बच्चे हैं तो और किसान जैम तो खाएंगे ही खाएंगे, अब बुढ़े लोग किसान जैम थोड़ी खाएंगे, क्लियर है। तो दैट इज़ द मार्केट शेयर, उसको देखना पड़ता है कि मार्केट हमारा कैसा है, कौन सी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं, या किस जगह पे, कौन सी जगह पे इस चीज़ को बहुत किया जाता है, पसंद किया जाता है, क्लियर है। ऐसा करके नेक्स्ट है मीट और द प्रिवेंट कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो आपको हर एक सेक्टर पे आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हों, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, तो आप कोई भी प्रोडक्ट मोनोपोली में नहीं यूज़ करते हो, उसका कोई ना कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर है ही है, क्लियर है। कुछ भी आप हेयर ऑयल ले लो या नेल पॉलिश ले लो, आप अपने कपड़े ले सकते हैं, आप एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, आप अपना परफ्यूम ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में समझ में आ रहा है आप वो ले सकते हैं, क्लियर है। सो दैट इज़ द प्रिवेंट कॉम्पिटिशन की, अब वहाँ पे आप कैसे बच सकते हो, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको जियो का ही देंगे। तो जियो आया, उसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचा दिया, क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज़ें थी कि भाई जब जियो आया तो उसमें अल्टीमेटली, अच्छा मुनाफा किसको होता है, तो मुनाफा हमेशा कंज्यूमर्स को होता है, हमें और आपको होता है। जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी प्राइस जो होगा उतना ही स्टेबल रहेगा और उतना ही उस प्रोडक्ट का कम रहेगा, तो उसमें मुनाफा किसका होगा, हमारा और आपका होगा, क्लियर है, शाबाश। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लास्ट टॉपिक। पूरा कोई दिक्कत अभी तक इन चार टॉपिक्स में? नो सर, अभी क्लियर है। यस सर, क्लास खत्म होने के बाद एक बार ही और पढ़ लेना, ठीक है, शाबाश सर, शाबाश। अब आते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, सबसे इजी एंड सबका प्यारा टॉपिक प्रॉफिट
भाई साहब मुनाफा, क्लियर है। तो सिंपल सी बात ऐसी ही होती है कि जैसे अभी हम लोगों ने हमने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले बताया था एक्सक्लूसिव राइट्स। अमेजोन 5 मिनट में 10 लाख फ़ोन बेचता है, फ्लिपकार्ट 5 मिनट में 10 लाख फ़ोन बेचता है। तो कंपनी जो होती हैं ऐसी, जो ई कॉमर्स जो कंपनी होती हैं, इनको एक्सक्लूसिव राइट्स क्यों देती हैं? सिंपल सी बात है, हम ये कह रहे हैं कि आपका फ़ोन, अगर आपका 10 हज़ार का कोई एक फ़ोन है, क्लियर है, आपको एक्सक्लूसिव राइट्स में अगर वो आपको 8 हज़ार का पड़ जा रहा है, ठीक है, और आपको 8 हज़ार का पड़ रहा है, क्लियर है, तो अब आप समझिए, अब 8 हज़ार को अगर आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेगी? कैन यू इमेजिन? कैलकुलेट कर लेना इस चीज़ को, क्लियर है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, कंपनी कुछ भी अगर बनाती है, भले उसको 1 रुपये का ही मुनाफा हो रहा हो, लेकिन अगर कंपनी कोई चीज़ बेच रही है तो वो हमेशा एक प्रॉफिट के लिए ही बेचेगी, और कोशिश ये करते हैं कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो। आप लोगों को पता नहीं ध्यान है कि नहीं ध्यान है, पहले के टाइम पे, आज से 4-5 साल पहले, हम लोग 250 रुपये डलवाते थे नेट का, जो कि हमें 250 रुपये में, 250 रुपीज़ में सिर्फ 1 GB मिलता था 1 महीने के लिए। आज हमें कितना मिल रहा है? 45 GB मिल रहा है 200 रुपये में। कैन यू इमेजिन? ठीक है, सो दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, मतलब इन कंपनीज ने कितना कितना ज्यादा पैसा कमाया है। मतलब इनका तो बैंक बैंक वाले भी कहते हैं कि भाई साहब हमारा अकाउंट भर गया, प्लीज दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लो जा करके, क्लियर है, इतना पैसा कमाया है इन लोगों ने, क्लियर। तो इन ऑब्जेक्टिव्स में यस कोई, सर। इस ऑब्जेक्टिव्स में कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर है। नो तो सर। वी हैव डन द चैप्टर सेकेंड वेरी ब्रीफली, एंड कोई दिक्कत हो सकती हो तो पूछ लेना करके, क्लियर है रौनित? तो यस सर। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करें, ठीक है? देयर आर मैनी क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस, ओह शख्स, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, और क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, क्लियर है? ओके सर। ठीक है, ओके सर। कोई क्वेश्चंस? नो सर, अभी के लिए नहीं, क्या पूरब, क्या कह रहे हो? बाद में होगा तो बता दूंगा। हाँ बिल्कुल पढ़ो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से, ठीक है, रखें, चलो, ओके, यस सर। बाय बाय, बाय सर। थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय।